नागपुरातील नामांकित नैवेद्यम हॉटेल मालकाच्या घरात कुख्यात चोरट्यांनी हात साफ केला. घरातील लोक लॉक लावून विदेशात गेले असताना ही घटना घडली. पोलिसांनी आरोपीच्या हैदराबादवरून मुसके आवडले असून त्यांच्या ताब्यातून 16,90,000 मुद्देमाल जप्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नैवेद्यम हॉटेलचे मालक ऋषभ कामदा यांचे आई वडील घराला लॉक लावून विदेशात गेले होते. आरोपींनी रेकी करून घरफोडी केली आणि 17,90,000 मुद्देमालावर हात साफ केला. ऋषभ कामदा यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास करून आरोपींना हैदराबाद व मुंबईवरून अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोपीकडून 16,90,000 मुद्देमाल जप्त केला आहे. मामले की हकीकत है की तारीख 9/4/2024 को नैवेद्यम हॉटेल के मालिक ऋषभ कामदा इन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की कि उनके घर का उनके माताजी पिताजी न्यूजीलैंड चले जाने के बाद उस दरमियान घर बंद था और घर के फ्लैट किसी अज्ञात चोर ने तोड़ने के बाद में घर के सामान नियर अबाउट 17,90,000 का माल चोरी गया था. उसके बाद में बर्डी की टीम बर्डी डिटेक्शन की टीम और घरपोड़ी विरोधी पथक पुलिस आयुक्तालय नागपुर का घरपोड़ी विरोधी पथक इन्होंने आरोपी को निष्पन्न किया, हैदराबाद से अटक किया और बर्डी पुलिस के दावे में दिया. उसके बाद में बर्डी पुलिस ने उनका 16 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड लिया और रिमांड के दौरान उन्होंने माल कहां कहां कर बेचा है या गहन रखा है उस बारे में जानकारी देने के बाद पुलिस टीम बर्डी की पुलिस टीम संतोष कदम और डीबी की टीम 4 दिन तक मुंबई में रही और वहाँ से उन्होंने तकरीबन सोना चांदी और या कुछ इधर अदर आर्टिकल्स ऐसा मिला के 16,90,000 का मुद्देमाल आरोपी से रिकवर किया है.